सीढ़ी से ऊपर आ गई मैं। ओए हाय, सांप ने काट लिया। ये नहीं अच्छी फॉर्म सीढ़ी। क्यों, इसमें बेईमानी नहीं कर सकते? इसलिए मैंने कभी बेईमानी की है आपने? ले, मैं जैसे जानती नहीं हूँ। मेरे तो नसीबों में वैसे सांप ही सांप है, मैंने देखा। अच्छा, इतने रोंदू क्यों बन रहे हो? अभी सीढ़ी से ऊपर भी तो गए थे। हाँ तो अभी उसने डसा है तो फिर नीचे भी तो आ गए हो ना। आज वैसे दिन ही बुरा, क्या हो सकता। क्या हुआ? बस वो ज़ारा का भी मुंह बना हुआ था, कैफे से निकली थी तो उखड़ी उखड़ी सी थी, क्यों? पता नहीं। तो उसको पूछना था क्या हुआ है। मैंने तो पूछा था, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन मुझे लगता है कि वो लड़का घर आने को तैयार नहीं है, भाग गया है। क्यों जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? बस लगता है, मुझे तो वैसे भी वो पहले दिन से ही सही नहीं लगा था। पता नहीं हमने भी बिला वजह ज़ारा को क्यों कह दिया कि उसको घर बुलाओ। अब वो भाग गया और बच्ची बेचारी परेशान। नहीं, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। देखो, हो सकता है उनका आपस में कोई झगड़ा हुआ हो। प्यार मोहब्बत में ना ऐसे छोटी मोटी नाराजगियाँ होती रहती हैं। हमारी तो नहीं होती थी। हमारे जैसा प्यार भी तो किसी को नहीं होता ना। ये तो है। तुम जारा से वैसे पूछना क्या बात हुई? हाँ, मैं पूछ रही थी, मैं अपनी बारी चल लूँ। ला जी, जीत गई मैं। और किन्हें जितना सी। जानती हो ये क्या है? बहुत गंदा नोट। वो तो है, ये वो नोट है जो मेरे बाप ने मुझे तब दिया था जब मैं इस शहर में पहली दफा आया था। मैंने आज तक इसे खर्च नहीं किया, जीरो से शुरू किया। जिस कैफे के किचन में मैं बर्तन मांजा करता था, आज उसी का मालिक हूं। जानती हो कामयाबी का ये सफर मैंने कैसे तय किया? मैं हमेशा आगे देखने पर यकीन रखता हूं, पलट कर पीछे नहीं देखता। ओ रोमान, तू वहां क्यों खड़ा? आ जा इधर। फिर पलट कर देखा। अभी तो कहा था तुमसे पलट कर पीछे नहीं देखना। अब देखो ना, सुबह पेट्रोल वाले ने 100 रुपए का नोट पकड़ा दिया है, इतना फटा पुराना नोट, क्या करूं मैं इसका? तो ये स्टोरी थी? जाहिर है यार, किचन में काम करते करते कैफे का मालिक बन गया, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने सोचा तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, तुम कुछ मोटिवेट होगी। मूड ठीक ही है मेरा, बस बस क्या मतलब बस ना यार, अभी फील हो रहा है, समझ नहीं आ रही है। मतलब ठीक हूँ बट फिर एकदम से डाउनर आ जाता है, कुछ अजीब सा ही है। ऐसे हो जाता है यार। हाँ, आज अगर बुरा शो हुआ है तो कल अच्छा हो जाएगा। अब हर रोज एक जैसा शो तो नहीं हो सकता ना, यही प्रोसेस है। कोई भी बैट्समैन हर बॉल पर छक्का नहीं लगा सकता, अच्छे से अच्छा शायर हर शेर अच्छा नहीं कहता। और तो और, मैं भी हर रोज इतना हैंडसम नहीं लगता, कसम से। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बस यही जिंदगी है। पता है यार, लेकिन बस ये इन्फॉर्मेशन पहली दफा नहीं मुझे मिल रही। आई नो ऑल ऑफ दिस। बस यही फिलॉसफी है भाई मेरे पास, और कुछ नहीं है। ओके, बस यही कॉन्फ्लिक्ट, यही कॉन्ट्रडिक्शन, यही स्ट्रगल, यही रगड़ा, यही बार 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 कोशिश करना, यही यही इंसान को ग्रेट बना सकता है। दैट्स इट। तो ठीक है ना, ये जो भी मैं फील कर रही हूँ ये भी नेचुरल है ना।
जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं ये वही है, नेचुरल प्रोसेस है, हो जाएगा फिक्स। अब एकदम से मैं इतनी हाइप्ड अप नहीं हो सकती हूँ। चलो बाहर चल के बैठते हैं, हाँ माहौल बदलते हैं। कबीर, कबीर किधर है? कबीर को बुलाते हैं। चलो उठो उठो, माहौल बदलेगा तो मूड बदलेगा, उठो। नहीं करो, चाय पी रहा हूं मैं। तो पीता रहे, मैंने तेरी चाय छीन ली है। तुम मट्टी आ रही है ना, तो साफ जगह जाके बैठ के पी, तूने जरूर गंदी जगह बैठ के चाय पीनी है। अच्छा ठीक है, फिर मैं ही उठ जाता। हाँ तुझे क्या, कोई जिए या मरे। लो अब ये क्या बात हुई। अच्छा सुनो, बोल। वो कोई रस पापे रखे हैं? जाके देख ले। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। तुझे नजर नहीं आ रहा मैं तेरे से नाराज हूँ? हाँ लेकिन क्यों वो नाराज है? ये पूछने से चाहता तू नीचे छलांग लगा देता। हाँ लेकिन बताओ भी तो सही ना, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। इसी बात को तो गुस्सा है कि तूने कुछ कहा ही नहीं। असल में बात यह तुम्हारे सामने जो है ना, मुझसे बात ना कर, मैं नाराज हूँ। सुनो तो सही, मना रहा हूँ ना, वही कह रहा था कि कोई काम की बात है राजू तो बोल। हाँ मैं ये कह रहा था कि तुमने ना मेरी सारी बोल चाय ठंडी कर दी है। ज़ारा दुखी है इसलिए, इसके लिए फ्री है, अपना बेल तो खुद देगा। ओके मेरे से दुखी होता तूने मुझे भी फ्री दे देना था। हाँ ये भी है। आप लोग वैसे कब मिले थे? हम जेजी की तरफ। यार जेजी के घर तो हम बाद में गए थे, उससे पहले वो बर्थडे थी ना ब्रिटनी की, उधर मिले थे हम। ब्रिटनी स्पीयर्स? क्या याद दिला दी यार तूने, तूने तूने ड्रॉप किया था ना उस दिन मुझे। यार ये बंदा उस दिन इतना नाचा कि गाड़ी के दरवाजे से लेके घर के दरवाजे तक भाई साहब हृतिक रोशन बनते हुए गए सीधा सीधा। बड़ा सीन होता था बॉय का उस वक्त। इसके पास गाड़ी होती थी, इसने रात को मुझे पिक करना और हमने पूरी पूरी रात फिरते रहना। गाड़ी होती थी तुम्हारे पास ना? थी एक जमाने में। फिर कहाँ गई, बाइक क्यों ले ली? बिक गई। तो आप लोग दोस्त कैसे बने थे, मतलब दोस्ती असल में कैसे शुरू हुई? वो था ना अपना हमजा सुहेल, हमारा म्यूचुअल फ्रेंड जेजी। यस यस यस, सच बताऊं तो यार मैं उस जमाने में तबाह बर्बाद फिरता था, कुछ समझ नहीं आती थी क्या करना। तो हमजे के घर जाना तो इन सारे क्रिएटिव लोगों ने बैठे होना, खूब रौनक होनी, सारी सारी रात गाने चल रहे हैं, खाने चल रहे हैं। तभी मुझे ख्याल आया कि खाने की जगह ख़रीदता हूँ और इन सारों को वहीं ला के बिठा देता हूँ तो क्या खूब चलेगी। तो वहां से भी ख्याल आया कि कैफे बनना चाहिए, है ना? तो ये 50वीं स्टोरी है ना कि कैफे किस तरह बना। अंदर जो आपने सुनाई थी एक वो थी, 100 रुपए का नोट लाके उन्होंने दिखाया, वो वाली थी। क्योंकि अब मुझे एक्चुअली लगता है कि ये कैफे बना बनाया था, उसको आपने सिर्फ पेमेंट दी है और खरीदा है। नहीं नहीं नहीं, ये इन्होंने मतलब अपने हाथों से पूरा माशाल्लाह ईंटें लगाई है। एग्जैक्टली। नहीं वो भी नहीं, लेकिन मतलब ये मेरा गवाह है क्योंकि इस कैफे को बनाने और इस्टेब्लिश करने में इसका भी बहुत ज़्यादा हाथ है। एक्चुअली मुझे तो ना आर्ट की ज़्यादा समझ थी और ना आर्टिस्टों का कुछ पता था, आज भी वैसे थोड़ा थोड़ा ही जानता हूँ। तो इसके
डिज़ाइन से लेके मेन्यू तक, स्टेज से लेके आर्टिस्ट को बुक करने तक, सब कुछ इसी ने किया था। Really? Yes, इसे जुनून था कि अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के लिए कुछ जगह होनी चाहिए, तो इसने बना दी। खुद तो कुछ बनता नहीं है इसका, लेकिन दूसरों के लिए लकी है। और अब ये तुम्हें स्टार बनाएगा, देख लेना। अच्छा तो जारा, ये इतने लंबे भाषण का मकसद ये है कि तुम्हारा अपसेट होना नेचुरल है, लेकिन कैरी करना नेचुरल नहीं है। और इससे निकलने का एक ही तरीका है, जानती हो क्या? क्या? एक और शो। एक और शो? एक शो जो हुआ है वो देखा है ना, अब एक और शो वैसा ही होगा अगर, तो फिर कैफे बंद है आपका। यार समझाए से, हाँ जब हमने शुरू किया था तो कौन से केकड़े, तुझसे नहीं बात कर रहा। जब हमने शुरू किया था तो शुरू में तो लोग नहीं आ गए थे ना, अपनी स्पेस बनाने में टाइम लगता है ना, समझाए से। हाँ मतलब देखो प्रोसेस है ना, एक टाइम तो लगेगा, आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ होगा। वो है ना तुम्हारा फेवरेट कॉमेडियन मिस्टर रोमान, वो भी टाइम लेके पहुँचे यहाँ तक। मिर्जा साहब बेटा, ओ पुत्र उठ जाओ, फर्श ठंडा है, कहीं बुखार ना चढ़ जाए। मुझे परवाह नहीं, इस सरजमीन के लिए चाहे मेरी जान चली जाए। अल्लाह करे पुत्र, अल्लाह करे, मगर बाहर जाके जान दो बेटा। हम लोग खान साहब लोग हैं, हम FIR अफोर्ड नहीं करते। मैं यहां से तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हो जाते। ओ किस चीज में साथ? इंकलाब, खूनी इंकलाब। इस मुल्क को खून की जरूरत है, तुम्हारे खून की जरूरत है। ओ पुत्र, मैंने तो आखिरी वक्त में अब्बा जी को खून नहीं था दिया। ओ काका, अच्छी बली तुम वाह याद शायरी करते थे, ये इंकलाब कहां से ले आए हो? असल इश्क, असल इश्क तो अपनी सरजमीन से है, अपने वतन से है। ओ तो मेरे सेन में क्यों धरना दे के बैठा हुआ है? मैं कौन सा डी चौक में रहता हूं? इंकलाब की इब्तदा घर से होती है। तो अपने घर से करो। अपना घर तो मैं इंकलाब के लिए छोड़ चुका, अब इंकलाब को इस घर से मदद दरकार है। हाय, सलीम भी पता नहीं कहां चला गया है, उसका एक पागलों का डॉक्टर वाकफ है, वो आता है तो तुम्हें लेके जाता हूं। हमें इस मुल्क का गम खाए जा रहा है और आप हमें दीवाना समझते हैं। हाय रब्बा, मैं हूं भी अपने घर में, मैं यहां से जा भी नहीं सकता। आप हमारा साथ दे रहे हैं या नहीं, सिर्फ हां या ना में जवाब दें। नहीं। तो ठीक है, फिर हम भी धरने पे बैठे, आप डीजे भट्ट को बुला लें। ऊपर छत भी नहीं है जो गिर जाए। तो बोलो कॉमरेड अमीर खान, मेरे साथ लड़ोगे, मेरे साथ मरोगे, साथ दोगे, इंकलाब की राह में अपनी जान दोगे, बोलो कॉमरेड। कभी Thanks. तुम अपनी तारीफ होने पे इतने awkward क्यों हो जाते हो? नहीं awkward नहीं, जोरी की जरा है आदत, बोली जाता है बस। खुद तो तुम कुछ कहते नहीं हो, जोहरी कहता तो तुम कहते हो exaggerate कर रहे हो। अब अपने बारे में मैं क्या बोलूँ, मैंने जो कुछ ऐसा मैंने किया ही किया है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ या मेरा जिक्र हो रहा हो, बातें हो रही हो मेरी। फिर भी कुछ तो होगा,
सुनने में एक पूरी जिंदगी है जो मैं पीछे बस छोड़ा हूँ, तो कभी क्या जिक्र करना। तुम बस सोचोगे, तुम बस ये समझोगे जो मैं मतलब तुम्हारे सामने अभी हूँ ना, बस यही है। मैं यही हूँ। इसे भी कौन सा पूरा जानती हूँ, खुद पर तो बात आने नहीं देते तुम। अच्छा चलो, तुम पूछो जो तुम्हें पूछना है। तुम सवाल पूछो, मैं जवाब दे दूंगा। क्या जानना तुम्हें बताओ? इंटरव्यू पे आए हो कि मैं सवाल करूं और तुम जवाब दो? तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना कि तुम क्या फील करते हो, शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते, तो दैट्स फाइन। श्योर? नहीं, बात ट्रस्ट की भी नहीं है। मैं वैसे ही क्रोकोडाइल आ रहा है नेक्स्ट सैटरडे। क्रोकोडाइल? या वो बाली सिंगर है, पैसे बहुत ज्यादा मांगते तो उसका नाम क्रोकोडाइल रखा हुआ। ओ याद नहीं, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल नहीं, क्रोकोडाइल। और हाँ, मैंने जारा का शो भी रख लिया। क्या? यस, राबिया को मैंने कह भी दिया, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लग जाएंगी जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड। किससे पूछ के? जारा, ट्रस्ट मी, तुम खुद मुझे थैंक यू बोलोगी। तुम कहोगी जौहरी थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं इधर ही फंसी रहती। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये शो नहीं कर सकती। बता बता। नहीं कबीर, तुम बात करो इससे, मैं ये शो नहीं कर सकती। एक्शन से ना, अभी कुछ दिन तो है ना शो में, तुम कर लोगी तैयारी, यू कैन प्रिपेयर फॉर इट। पागल हो गए? बस बस बस, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे। आई थिंक यू विल डू अ ग्रेट शो। बस डन हो गया, डन हो गया। वेरी गुड। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। और कॉफी मंगवाऊं? नहीं यार, तुम लोग पुराना शो भूल गए हो क्या? क्या हो गया है? पुराना? न्यू डे न्यू जज्बा। अब्बा जी आपकी चाय। रही ला पुत्रे। जी अब्बा जी। बैठ मेरी बेटी। तेरे तुम्हारी वो जारा से बात हुई है उस लड़के के बारे में? नहीं अब्बा जी, इस बारे में तो अभी कोई बात नहीं हुई। वो मेरी कहती है जारा तो भी अपनी माँ की जगह रखती है। मेरी बच्ची तू जारा से बात कर। मैं कहता हूँ कि मुंडा अगर चंगा है, उसका काम धंधा ठीक है, खानदान अच्छा है अगर उसका, तो उधर मिल लेते हैं उसे। उम्र का क्या बताया पुत्र, मैंने लायला से बात किया था। मैं कहता हूँ कि अपनी जिंदगी में ये फर्ज निभा दूँ। ठीक है अब्बा जी, मैं उससे बात करके ना आपको बताऊंगी। कार मेरा पुत्र। आज कमरे में ही बैठे रहना है, बाहर नहीं निकलना। काम कर रही हूँ मैं, अभी छोड़ दे मुझे। अब इस घर में तुझसे तेरा हाल भी ना पूछें। कोई मसला है मुझसे? कोई मसला नहीं है, काम कर रही हूँ ना मैं, अभी बिजी हूँ। सब लोग बाहर होते हैं, तू कमरे में चली आती है, मैं कमरे में आती हूँ, तू बाहर चली जाती है। कुछ नहीं है भाई, मुझे काम करने दे बस, और कुछ नहीं चाहती मैं आपसे। तो कर काम, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। कबीर के साथ कोई झगड़ा हुआ है? नहीं। रोज मिलती हो उससे? नहीं। जब मिलती हो तो क्या बातें करते हो? कैसा लड़का है?
खाला इसके अलावा और भी मेरे पास बहुत सारे काम है। तो घर वाले तो तुम्हारी शादी की तैयारियों में लग गए हैं। तो पागल हो गए ना घर वाले, इसमें मैं क्या करूं? अच्छा अभी नहीं तो कभी तो करनी है ना शादी। किसने कहा कि मैंने शादी करनी है? मैंने किससे कहा कि मैंने शादी करनी है? और किसने कहा कि मैंने उसी से शादी करनी है? मैंने कहा था ना कुछ होगा तो बता दूंगी, अभी मुझे छोड़ दे मेरे हाल पे। तो कुछ नहीं है तो फिर सारी सारी रात क्या बातें करते हो? आर यू सीरियस? मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं उससे रात भर क्या बातें करती हूँ? मैंने आपसे कभी पूछा कि आप क्या करती हैं? तो पूछ लेना, तद्दे तवे में क्यों बैठी रहती है हर वक्त? जरा तुझसे प्यार से बात कर लिए, सर पे ही चढ़ गई है। तो मत करें मुझसे बात, ना प्यार से ना गुस्से से, मत करें बात, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। दफाओ। बैड है यार, आज तो रूटीन से भी कम लोग हैं। अनाउंसमेंट लेट कर दे। क्या? अनाउंसमेंट लेट कर दे। और कितनी लेट करनी है, पहले एक घंटा ऊपर हो गया। फिर शो कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं नहीं यस जूरी, एक सेकंड मेरी बात सुन। बहुत हर्ट होगी यार ऊपर से ही ना कर। मुझे अंदाजा है लेकिन प्लीज कभी तू देख तो सही यहाँ क्या है। तू जाकर उसे बता, समझा, हैंडल कर, हैंडल कर यार, जा प्लीज। मुश्किल काम ना डाला कर मेरे प्यारे से यार, प्लीज ना ना कर, जाना प्लीज, जा 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 जा, जा। जारा बस कर दो कभी मुझे जारा, एक सेकंड बात सुन। तो आप कौन सी फॉल्स होते नहीं आए हो? फॉल्स होते नहीं देने आया जारा। मैंने मना किया था ना, आई टोल्ड यू, पर तुमने नहीं माना। ना तुमने माना ना तुमने जौहरी को मान दिया। सारा ये चीजें हो जाती हैं, इट्स फाइन। बस कर दो कबीर, लुक एट योर एक्सप्रेशंस। अब तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे एक्सप्रेशन से भी नहीं मिल रहे। जारा, जारा पुत्र जी, पुत्र आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना, देर हो रही है। आज नहीं जाना। क्यों पुत्र, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है, बस दिल नहीं कर रहा आज। अच्छा चल ठीक है, तेरा नाश्ता लगा दूं फिर? नहीं, मैं खुद उठ के नीचे आके बना लूंगी।
या तो वो लड़का यहाँ आने को तैयार नहीं है या फिर ये मिलवाना नहीं चाहती है। क्यों नहीं मिलवाना चाहती? अब ये तो उसे ही पता हो, क्या पता लड़का किसी बड़े घर का हो। ओहो, अगर वो जारा से प्यार करता है तो उसे पता ही होगा। क्या पता उसने ना बताया हो और अब घबरा रही हो कि कहीं वो हमसे मिलके इनकार ही ना कर दे। ले, क्यों इनकार करेगा, हमारे सर पे के सिंह निकले हुए। अपने घर की हालत देखी है, बाहर गली में गाड़ी तक तो यहाँ आ नहीं सकती। ओए मेरी बात सुन, प्यार में ना ये सारा कुछ नहीं देखा जाता। अगर वो नजारा से प्यार करता है तो अभी तो पता नहीं कौन सी फिल्मी दुनिया में रहती है। मेरी बात सुन, वो ना आएगा, जरूर आएगा। अभी हांडी वाल त्यान कर। आएगा आएगा आएगा। बुखार तो नहीं हो गया हुआ? नहीं, बस सर दर्द हो जाएगा। ठीक, शुक्र है तुम बाहर तो आई, हमें तो बड़ी परेशानी लगी हुई थी। क्यों? तुम्हारा मूड जो नहीं ठीक था इतने दिनों से, ये ले। नहीं, थैंक यू। पहले कुछ खा ले, उसके बाद तुमने दवाई खानी है, ये ले। थैंक यू। हमें पता है, जब से हमने तुझसे कबीर से मिलवाने की बात की है ना, तू किसी से भी बात नहीं कर रही है। सीरियसली? और कोई टॉपिक नहीं ना इस घर में जिसके ऊपर डिस्कशन हो सके। सुबह शाम बस एक ही बात करेंगे सब। वो बेटा, हम तो तेरे लिए कह रहे थे। नहीं, आप मेरे लिए नहीं कहे। काफी दफा कह चुकी हूँ मैं आप सबको कि अपनी जिंदगी पे फोकस करें, मत फोकस करें कि मैं क्या कर रही हूँ। और वैसे भी इस घर में तो एक ना खत्म होने वाली बहस होती है, तो बात करने का फायदा ही नहीं है शायद। क्या हो गया जारा, हम तो कह रहे थे। बस मेरी बस हो गई है, ये हो गया है। कब आती हो, कब जाती हो, कब खाती हो, कब उठती हो, बैठती हो, कमरे में बंद क्यों, बाहर क्यों जा रही हो, अब किचन में क्यों जा रही हो, बाथरूम क्यों जा रही हो, मेरी बस हो गई है। मैं नहीं बता सकती हर किसी को कि मैं क्या किस वक्त क्यों कर रही हूं। थक गई हूं मैं सुन सुन के। ऊपर से अगर एक लड़की बाहर, ऊपर से अगर मैं घर से बाहर जाती हूं तो कबीर से मिलने जाऊंगी, और उसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है, उसके अलावा मेरे पास कोई टेंशन ही नहीं है। क्या सोचते यार आप लोग, क्या कहां से सोच आती है खुदा की कसम। औरतें चांद पे चली गई है, यहां पे जहन से ही नहीं निकला जा रहा। ओ पुत्र, ओ तू नाराज होके चाय छोड़ के नीचे आ गई है, ठंडी हो गई है बेटा। ले, मैं गर्म करके लाया हूं तुम्हारे लिए। मुझे चाय नहीं पीनी। ओ पुत्र, इस तरह नाराज नहीं होते मेरा बेटा। यो मेरा पुत्र। मैं नाराज नहीं हूं नाना मिया, लेकिन अगर कोई मुझसे बात बार बार पूछेगा तो मैं बार बार नहीं बता सकती कि मैं क्यों और क्या फील कर रही हूँ, क्योंकि बार बार मैं इरिटेट होती हूँ। अभी बात तो तुम्हारी ठीक है, एक बात जाहिर है, अगर बार बार होगी तो बंदा इरिटेट हो जाता है। तो चल छोड़ दू, इन सब को छोड़, दवा कर ही है ऐसे। मेरा पुत्र, तू मुझे बता के क्या बात, क्यों नाराज हो? मैं मुझसे स्टैंड अप नहीं हो रहा। ये हो तो गया है स्टैंड अप, खड़े हो रहे कोई कहते हैं स्टैंड अप। ये वाला नहीं। लो, मैं गलत ही समझ रहा हूँ सारी जिंदगी, मुझे यही पता है कि
खड़े होने को कहते हैं स्टैंडअप। मैं चूंकि एक दफा पुत्र एक दफ्तर में गया तो पहले उस अफसर को जुगत कर दी, उसे गुस्सा चढ़ गया, कहता है स्टैंडअप गेट आउट। ये वाला स्टैंडअप भी होता है, लेकिन जिस स्टैंडअप की मैं बात कर रही हूँ वो स्टेज पे कॉमेडी परफॉर्मेंस होती है जिसे आप लोग नहीं करते। स्टैंडअप स्टेज पे? जी, मैं जहाँ जॉब करती हूँ ना वहाँ पे आर्टिस्ट लोग आते हैं, वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, अपने सेट्स करते हैं। मैंने दो दो सेट्स किए हैं और एक भी सेट जो था किसी को हाथ। अगर तुमने तो कहा था कि तुम वहाँ नौकरी करती हो, तो वहाँ ही जहाँ नौकरी करती हूँ वहाँ ही परफॉर्म करती हूँ ना। स्टेज पे? जी, और मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट, पता है मैं सोची थी कि दो शोज तीन शोज कर लूंगी तो फिर मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी स्टेज पे, फिर मैं आप लोग को बुलाऊंगी, फिर आप लोग शो देखेंगे। और तुमने ये सोचा कि तू हमें बुलाएगी और हम आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? टाइमिंग्स का इशू, टाइमिंग्स बहुत फ्लेक्सिबल है मेरा पुत्र, पहले तो हमें पता नहीं था तो उधर क्या करती है, मगर अब मेरी बात कान भूल के सुन ले। क्या? तू पुत्र आएगा, ये स्टेज, ये कॉमेडी ये नहीं करेगी। क्यों? गुड पंच लाइन। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुन, आइंदा तो कभी भी स्टेज या ये कॉमेडी ये नहीं करेगी पुत्र। ना ना मियां, स्टेज मेरा पैशन। नहीं बेटा ना, बस कह दिया जो कह दिया। क्यों? मुझे और जो मर्जी कह ले पुत्र, मैं तेरी बात मानूंगा, मगर ये मुझे आइंदा ना कहना पुत्र, कभी भी स्टेज कॉमेडी ये नहीं करेगी तू। नहीं उठा रही? नहीं, मेरा भी नहीं। दो दिन हो गए यार, ना फोन उठा रही है ना मैसेज का जवाब दे रही है। अब तू, तुझे भी सुकून नहीं है? मतलब कुछ दिन और तू रुक नहीं सकता था इस शो से पहले? ये सब तेरी वजह से हुआ है? अच्छा, मेरी वजह से हुआ? हाँ, यानी कि मैं कह रहा था कि शो को जल्दी कर दो, तेरी वजह से मैं भी फंस गया हूं बीच में, मुझसे भी बात नहीं कर रही वो। ठीक भली थी जब यहां आई थी, मैंने तुझे कहा था ना उसे दूर रही, लेकिन नहीं, तेरे साथ रह रह के बिल्कुल तेरे जैसी हो। यार तेरा ना हर आर्टिस्ट से डील करने का एक ही तरीका है, मतलब तू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि हर बंदे का एक थॉट प्रोसेस होता है, एक पर्सनैलिटी होती है। यही बातें तूने उसे कही होंगी, प्रोसेस पर्सनैलिटी, तू नहीं उसका दिमाग खराब किया। ठीक है भाई, मत, तूने अपनी गलती नहीं मानी, नहीं मानी यार, किसी की गलती नहीं है, बस जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। समझा इस बात को पूरा। यार समझा तो दूं, फोन तो उठाए मेरा, कोई और नंबर नहीं उसका? पहला ही इतनी मुश्किल से दी और कैसे दिमाग, तो बस फिर वेट करते हैं। दोबारा करें? लेफ्ट पैर पे ज्यादा वेट पड़ रहा, वो लिगामेंट रप्चर हुआ है। डॉक्टर को दिखाया? रिहैब। चल फिर, लेट्स होप खुद ही रब्ता कर ले। फिर वही कर रहा है ना? नहीं यार, कॉल कर। Pick up.
जारा फोन तो उठा लो या कोई मैसेज कर दो, कॉल बैक कर लो, कुछ कर दो, बता दो कहाँ हो। काफी देर से तुम्हें ट्राई करो यार। तो तूने रात को दूध नहीं पिया? नहीं। क्यों? भूल गई थी। खाने पीने से क्या नाराजगी पुत्र? तू सुबह नाश्ता करने भी नहीं आई। दिल नहीं कर रहा था। खाना पीना बात करना क्यों छोड़ देती है? ऐसे मसले थोड़ी हल होते हैं। इस घर में वैसे भी मसले हल नहीं होते हैं, क्योंकि हर छोटी बात का तो पता नहीं बनता है। उत्तर, ये छोटी बात नहीं है, तुझे बताना चाहिए था हमें। तो बता दिया ना मैंने, अब सबको बता दिया। किसी ने मुझसे पूछा है मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ? बस ऐलान कर दिया कि नहीं, इजाजत नहीं मिलेगी। नाना मियाँ को पता है कि स्टैंड अप कॉमेडी होती क्या है, की कैसे जाती है। एक दफा देख तो ले कि मैं कैसे करती हूं, मैं करती क्या हूं। बस क्योंकि स्टेज की बात आ गई तो खत्म बात। अच्छा तो गुस्सा ना कर, मैं बात करूंगी अब्बा जी से। आपकी बात तो जैसे सारे सुनते हैं ना इस घर में। वो मान जाएंगे, लेकिन तू तो कमरे से बाहर निकल, दो दिन हो गए तू नीचे ही नहीं आई। मैंने कहा है ना तुझे, मैं बात करूंगी अब्बा जी से, वो मान जाएंगे। चल उठ, आ चला ना। थोड़ा सा खा ले, इसको लेके जाए, मैं आती हूँ। जाए भाई, आती हूँ। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।